हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम में हमने लास्ट लेक्चर में स्टमक के बारे में स्टडी किया था कि स्टमक एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। 3 मेन पार्ट्स के अंदर उसे हमने डिवाइड किया था, एक कार्डियक पोर्शन था, एक फंडस पोर्शन था, एक लास्ट वाला पाइलोरिक पोर्शन था। 2 प्रकार के स्फिंक्टर के बारे में हमने पढ़ा था, एक कार्डियक स्फिंक्टर, दूसरा था पाइलोरिक स्फिंक्टर। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका नेक्स्ट पार्ट, या डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन काम में आते हैं वो नेक्स्ट ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि जो भी फूड मटेरियल हमने गेन किया है उसका अधिकांश भाग यहीं पर उसका डाइजेशन किया जाता है और यहीं पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। जो फूड मटेरियल हम गेन कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, उसका अधिकांश पाचन और अब्सोर्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन छोटी आंत के अंदर संपन्न होता है। ह्यूमन के अंदर, एडल्ट ह्यूमन में इसकी जो लेंथ है लगभग 7 मीटर तक की होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी आगे 3 पार्ट में बांटा गया है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। 3 पार्ट्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का डिवाइडेशन किया गया है। तो नेक्स्ट पार्ट हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, इट इज ए इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा पाचन तंत्र है उसका यह एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसकी जो स्टार्टिंग है, इसके जस्ट ऊपर पाया जाता है स्टमक, और इसका जो लास्ट पार्ट है वो जुड़ा हुआ होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो स्टार्ट कहां से होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक एंड विद लार्ज इंटेस्टाइन। यानी एक रफली डायग्राम हम इसका बनाए, जैसे ये तो हमारी माउथ कैविटी हो गई, ये फेरिंग्स, नीचे ये ईसोफेगस, ये जे शेप्ड का ऑर्गन स्टमक। अब स्टमक से ये स्टार्ट होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी ये स्टमक से स्टार्ट हो रही है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट हमने बनाया है स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है। स्टमक से स्टार्ट होगा और जो इसकी एंडिंग है, एंड वाला जो हिस्सा है, ये कहाँ पर खत्म होता है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। यानी इसी के बाद से इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर स्टार्ट होगी। ये जो पार्ट हमने बनाया है ये कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्ट होता है स्टमक से, और इसका जो एंड है वो किस पर हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन पर। तो सिंपल सा हम ये बोल सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यह है स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाने वाला ऑर्गन है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में ये ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है। इट इज पोजिटेड बिटवीन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, इसके बाद जो है इसकी एवरेज लेंथ जो होती है लगभग एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर 7 मीटर है। इसकी एवरेज लेंथ जो है वो कितनी होती है, 7 मीटर इन एडल्ट ह्यूमन।
एक व्यस्क मनुष्य के अंदर इसकी औसत लंबाई 7 मीटर पाई जाती है। 7 मीटर की इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होगी। और ये पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का, यह मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा भाग है जहां पर सबसे ज्यादा डाइजेशन पाचन की क्रिया होती है और एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। इस पार्ट के अंदर ही अधिकतम पाचन की क्रिया और अधिकतम अवशोषण की क्रिया पाई जाती है। पाचन और अवशोषण की क्रिया इस भाग में सबसे ज्यादा मात्रा में संपन्न होती है। सबसे ज्यादा भोजन का पाचन यहाँ पर होगा, सबसे ज्यादा जो भोजन का एब्जॉर्प्शन है या अवशोषण है वह भी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। इसके बाद इसे 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसके जो 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसे आगे डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स के अंदर इसका डिवाइडेशन किया गया है। और 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इसके फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम होता है जो ऊपर से मैं बताऊंगा पोजीशन कहाँ पर है। सेकंड पार्ट इसका होता है जेजुनम, सेकंड पार्ट का नाम है जेजुनम। और इसका जो लास्ट पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे बोला जाता है ईलियम। तो 3 पार्ट्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर या संरचना को बांटा गया है। इसके फर्स्ट पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं, सेकंड पार्ट को जेजुनम कहते हैं, और इसके थर्ड पार्ट को ईलियम के नाम से जाना जाता है। 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इसका डिवाइडेशन है। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें कौन से पार्ट के बारे में, ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। 3 पार्ट्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन को बांटा है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है, इट इज द फर्स्ट एंड द स्मॉलर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द फर्स्ट एंड स्मॉलर पोर्शन, फर्स्ट एंड स्मॉलर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहला पॉइंट तो हमें याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है और सबसे छोटा पार्ट है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग होगा और सबसे छोटा भाग जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? ड्यूडोनम के नाम से उसे जाना जाता है। फर्स्ट पार्ट और स्मॉलर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसे ड्यूडोनम कहते हैं। सेकंड जो ड्यूडोनम है, ये वाला जो हिस्सा है ये किससे अटैच रहेगा? स्टमक से। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है हमें ड्यूडेनम है, तो ये किससे अटैच रहता है? स्टमक से। तो इसका सेकंड पॉइंट, इट अटैच्ड विद स्टमक, यानी यह आमाशय से जुड़ा रहता है, स्टमक से जुड़ा हुआ पाया जाएगा। स्टमक से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इसका जो काम है, यह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बायोकेमिकल डाइजेशन ऑफ फूड का, यानी फूड का जो बायोकेमिकल डाइजेशन होगा उसमें यह ड्यूडोनम पार्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बायोकेमिकल डाइजेशन क्या होता है? बायोकेमिकल डाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं जैव रासायनिक पाचन। तो इस भाग में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम उपस्थित है, उन एंजाइमों की सहायता से भोजन का डाइजेशन किया जाता है, फूड का डाइजेशन किया जाता है। और एंजाइम से एक प्रकार के केमिकल है, इसलिए इसमें जो डाइजेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल डाइजेशन। तो इस पार्ट का वर्क या फंक्शन क्या होता है? इट इज द मोस्ट इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि ये बायोकेमिकल डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। फंक्शन है इसका बायोकेमिकल
बायोकेमिकल डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, यानी डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स हैं उनकी हेल्प से यह फूड का बायोकेमिकल डाइजेशन करता है। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स की सहायता से यह फूड मटेरियल का जैव रासायनिक पाचन करने में सहायता करता है। और ये पार्ट कौन सा है, ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये वाला पार्ट किस नाम से जाना जाता है, ड्यूडेनम। ये वाला हिस्सा है, इसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। तो सिंपल सा याद रखना है, पहला और स्मॉल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, अटैच किससे रहता है, स्टमक जो स्ट्रक्चर है उससे अटैच रहेगा, और इसके अंदर फूड मटेरियल का एंजाइम की सहायता से बायोकेमिकल डाइजेशन होता है, भोजन का जैव रासायनिक पाचन इस भाग के अंदर संपन्न होगा। और ये पाचन में एंजाइमों की हेल्प लेता है, डिफरेंट टाइप के एंजाइमों की सहायता से यह भोजन का पाचन करता है। इन एंजाइम्स के बारे में हम जब प्रोसेस पढ़ेंगे डाइजेशन की, तो उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से एंजाइम इसमें बायोकेमिकल डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। इसके बाद सेकेंड जो पार्ट है इसका, उसे किस नाम से जाना जाता है, जेजुनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, जेजुनम कहा जाता है। सेंट्रल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबसे फर्स्ट तो इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बीच का भाग है, केंद्रीय भाग है, सेंट्रल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसे जेजुनम के नाम से जाना जाता है। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का यह है केंद्रीय भाग होता है, छोटी आंत जो है स्मॉल इंटेस्टाइन उसका बीच वाला हिस्सा, उसे किस नाम से जाना जाता है, जेजुनम के नाम से उसे जाना जाता है। सेकेंड, इस भाग के अंदर क्या होता है, जो भी डाइजेस्टरी जूस है ड्यूडोनम के अंदर जिनका एब्जॉर्प्शन किया गया है, भोजन का पाचन किया गया है, उस भाग यानी ड्यूडोनम वाले भाग के अंदर डाइजेशन हुआ था, तो इस वाले पार्ट के अंदर जेजुनम वाले पार्ट के अंदर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। जो भी फूड मटेरियल है जिसका डाइजेशन ड्यूडोनम में किया गया है उसका एब्जॉर्प्शन जेजुनम वाले भाग के द्वारा किया जाता है, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल्स। ऐसे सभी डाइजेस्टेड मटेरियल्स जिनका पाचन ड्यूडोनम वाले भाग के अंदर किया गया है उसे एब्जॉर्ब करने का काम, उसे अवशोषित करने का काम जेजुनम वाले भाग के द्वारा किया जाता है। यानी जो भी फूड मटेरियल ड्यूडोनम वाले भाग में डाइजेस्ट हुआ है उसको डाइजेशन के बाद हुआ था जेजुनम में, और जेजुनम वाले भाग के अंदर उसका क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यह एब्जॉर्प्शन के अंदर रोल प्ले करता है, भोजन जो डाइजेस्ट हुआ है उसको अवशोषित किया जाता है, ब्लड के अंदर इस भाग के द्वारा डाला जाता है, जिससे ब्लड सब सेल्स के अंदर उस डाइजेस्टेड मटेरियल को फूड को पहुंचा सके। इसके बाद ये जो पार्ट जेजुनम वाला है इसके अंदर एक विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती है जिन्हें एंटेरोसाइट सेल कहते हैं। जेजुनम वाले पार्ट के अंदर जो सेल्स उपस्थित होगी उन सेल्स को किस नाम से जाना जाता है, एंटेरोसाइट सेल्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। और ये जो एंटेरोसाइट सेल है ये भोजन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, जो भी फूड मटेरियल है भोजन है उसको एब्जॉर्ब करने में ये विशेष प्रकार की एंटेरोसाइट कोशिकाएं सहायता करती है। यानी इन एंटेरोसाइट कोशिकाओं की सहायता से जेजुनम वाला भाग डाइजेस्टेड जो मटेरियल है उनका एब्जॉर्प्शन करता है।
तो विशेष प्रकार की कोशिकाएं इनके अंदर पाई जा रही हैं, जो अवशोषण की क्रिया में सहायता करेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल में सहायता करेगी, उन्हें एंटेरोसाइट सेल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट इसका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे कहा जाता है ईलियम। तो ये ईलियम जो वाला हिस्सा है, अब ये जो जेजुनम वाला हिस्सा है वो कौन सा हो जाएगा, इसे हम यहां मार्क करके दिखाएं। ये पूरा जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है ये कौन सा भाग कहलाता है, जेजुनम। फर्स्ट पार्ट ड्यूडोनम था इसका, सेकंड पार्ट कौन सा हो गया इसका, जेजुनम हो गया। सेकंड पार्ट इसका जेजुनम पाया जाएगा। तो ये जो भाग हमें दिखाई दे रहा है इसे किस नाम से जाना जाता है, जेजुनम के नाम से इसे जाना जाता है। अब थर्ड पार्ट है इसका इलियम, जो लास्ट पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये इलियम वाला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, जो किससे जुड़ा रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच रहेगा। ये वाला हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन का शुरू हो गया यहाँ से, तो जो इलियम वाला पार्ट है इसका लास्ट भाग, ये इलियम वाला हिस्सा है, इस इलियम वाला हिस्सा, ये इलियम है, और ये इलियम जो पार्ट है किसके साथ अटैच रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ये अटैच रहता है। तो इलियम, दिस इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, दिस इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी यह है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला हिस्सा होता है, टर्मिनल वाला पोर्शन है, और इस टर्मिनल वाले पोर्शन को ईलियम के नाम से जाना जाता है। जो टर्मिनल वाला पोर्शन है उस टर्मिनल वाले पोर्शन को ईलियम कहा जाता है, ईलियम के नाम से इसे जाना जाता है। सेकंड पॉइंट, ये ऐसे पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करता है, एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है, जिनका एब्जॉर्प्शन जेजुनम में नहीं हुआ है। जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं जो जेजुनम के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते हैं, कुछ वाइल्ड सॉल्ट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, यानी मिनरल्स। सेकंड फंक्शन इसका क्या है, इट एब्जॉर्ब मिनरल्स, वाइल्ड सॉल्ट एंड विटामिन्स। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन जेजुनम में नहीं हुआ हो पाता है, मिनरल्स का, वाइल्ड सॉल्ट होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन, तो इनका एब्जॉर्प्शन जेजुनम वाले पार्ट में नहीं हो पाता है, इसलिए ये है पार्ट, ये वाला जो हिस्सा इलियम, मिनरल्स का, वाइल्ड सॉल्ट्स का, विटामिन्स का यह अवशोषण करता है। मिनरल्स, वाइल्ड सॉल्ट, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जिनका अवशोषण जेजुनम वाले पार्ट के अंदर नहीं हो पाता है। तो तीन पार्ट के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। इसमें ये और ध्यान रखना है हमें, टर्मिनल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये ओपन किस में होता है, इट ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ओपन ये वाला हिस्सा इलियम का, इलियम वाला हिस्सा फिर किसके अंदर ओपन हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन ये स्टार्ट हुई है यहाँ से, तो यहाँ पर ये ओपन होता है। तो छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, या तीन पार्ट्स के अंदर इसे डिवाइड किया गया है। अब इसे एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहला, इट इज ए इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यह हमारे पाचन तंत्र का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो भी ज़्यादातर जो फूड मटेरियल हमने इंटेक किया है उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है, यहाँ पर संपन्न होता है। जो स्टमक है, माउथ कैविटी है, उसके अंदर बहुत कम मात्रा में डाइजेशन हो पाता है, कम मात्रा में होता है, सबसे ज़्यादा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन इस पार्ट में होगा,
इसलिए ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इट स्टार्ट फ्रॉम स्टमक एंड एंड विथ लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टमक से स्टार्ट होगा ये पार्ट, और इसका एंड जो होता है वहाँ कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन पर ये जाकर एंड हो जाता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये अधिकांश डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ज़्यादातर पाचन और अवशोषण इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कंप्लीट होता है। तीन पार्ट्स के अंदर इसे डिवाइड किया है, फर्स्ट पार्ट इसका ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट जेजुनम, और थर्ड पार्ट का कहलाता है इलियम। जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम स्टमक से जुड़ा होगा, छोटा पार्ट होगा। जेजुनम जो है मिड पार्ट या सेंट्रल पार्ट होता है। इलियम इसका टर्मिनल एंड है जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है। ड्यूडेनम इट इज द फर्स्ट एंड स्मॉलर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यह है छोटी आंत का छोटा और पहला भाग होता है, अन्य भागों की तुलना में छोटा होगा और ये फर्स्ट पार्ट होता है। इट अटैच्ड विद स्टमक, ये किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, स्टमक के साथ अटैच रहेगा, स्टमक के साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है। इसके अंदर फंक्शन इसके द्वारा क्या किया जाता है, बायोकेमिकल डाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यानी जो भी फूड मटेरियल आया है उनका यह है बायोकेमिकल डाइजेशन करता है। जैव रासायनिक पाचन यहाँ पर फूड मटेरियल का होता है, और ये जो बायोकेमिकल डाइजेशन है ये एंजाइम की हेल्प से किया जाता है। कौन कौन से एंजाइम है, किस तरह से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड इनका पाचन करते हैं, उन्हें हम प्रोसेस डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर स्टडी करेंगे। सेकेंड पार्ट जेजुनम, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का भाग है, सेंट्रल पार्ट होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड मटेरियल्स, अब जो पाचन जो ऊपर बायोकेमिकल डाइजेशन हुआ है उन डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करने का कार्य या अवशोषित करने का कार्य जेजुनम करता है, यानी ड्यूडोनम वाले भाग के अंदर जो पाचन हुआ है, जो डाइजेस्टेड मटेरियल हमें मिले हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने का कार्य जेजुनम वाले भाग के द्वारा किया जाता है, जेजुनम वाला भाग उन्हें एब्जॉर्ब करेगा। अब इस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के लिए जेजुनम में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें एंटेरोसाइट सेल्स कहते हैं। एंटेरोसाइट सेल ऐसी सेल है जो जेजुनम वाले पार्ट को फूड मटेरियल के एब्जॉर्प्शन में या अवशोषण में सहायता करती है। थर्ड पार्ट इलियम, दिस इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला इलियम वाला पार्ट है, टर्मिनल पोर्शन है, लास्ट वाला भाग है। इट एब्जॉर्ब मिनरल्स, वाइल्ड सॉल्ट एंड विटामिन्स। मिनरल्स, वाइल्ड सॉल्ट, विटामिन ऐसे मटेरियल हैं जिनका एब्जॉर्प्शन जेजुनम में नहीं हो पाता है, तो उनको एब्जॉर्ब करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, इलियम वाले पार्ट के द्वारा किया जाता है। मिनरल्स खनिज तत्व का, वाइल्ड सॉल्ट को बोलते हैं हम पित्त लवण, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और डिफरेंट टाइप के विटामिन इस भाग के अंदर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इट ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में ओपन किसके अंदर होता है, ये अटैच किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ये अटैच रहता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। एक स्फिंक्टर और यहाँ पर पाया जाता है जो हम स्टमक वाले पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एक स्फिंक्टर मिलेगा, इस वाले भाग में एक स्फिंक्टर मिलता है स्टमक वाले पार्ट के अंदर, हमने पढ़ा था, जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये जो स्फिंक्टर है इसे बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर क्या करता है, फूड मटेरियल को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने देता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड मटेरियल को वापस स्टमक में जाने से रोकता है। यानी इसका काम क्या है, ये स्टमक से जो फूड मटेरियल है उसको कहाँ भेज देगा, इसमें तो भेज देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड मटेरियल वापस स्टमक में नहीं आए, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड मटेरियल स्टमक में नहीं जाए, उसे रोकने का कार्य इस पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा किया जाता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड मटेरियल को वापस स्टमक में जाने से रोकने का कार्य करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने स्टडी किया था, इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लार्ज इंटेस्टाइन की स्टडी करेंगे, जो लास्ट पार्ट है
ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट है। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि तीन प्रमुख जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जा रही है उनकी हमें आगे स्टडी करनी है। और इसी प्रकार के अन्य लेक्चर्स के लिए आप यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय राजेश खंडेलवाल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेकंड, यदि किसी को डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू।